तीन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंटरनेशनल काइट शॉप पे। तो दोस्तों, जो ये आज हम आपको मंजा दिखा रहे हैं, ये अब तक के सबसे बेहतरीन और ताकतवर मंजों में से इसलिए एक है कि दोस्तों मैंने इसे अभी नापा ही था और इसकी जो मैंने वेट उठाने का भी देखा ओवर भाई कितने था, 1800 ग्राम प्लस में था मामला। तो ये देखिए दोस्तों, पतंग इतना वेट लेके लोग बोलते ना कि बहुत तेज हवाएं चल रही है हमारे यहाँ पे गुजरात हैदराबाद और इस जगह तेलंगाना और इन जगहों पे। तो दोस्तों, इस जगह कितनी भी तेज हवा चल जाए, चाहे हवा क्रॉस कर जाए 20-25, लेकिन दोस्तों ये जो मंजा है ये आपके लिए बेहतरीन काम भी करेगा। पोना तावा अद्दी जो उड़ाना चाहे दोस्तों उड़ा सकते हैं इस पे, क्योंकि बहुत ही शानदार और पावर के उस पे और मजे हुए सोते हुए हाथों से काम करवाया गया है। दोस्तों, इस मंजे की सबसे बड़ी मैंने ये चीज देखी कि हमने काफी अपने सबसे जो होते ना टॉप मोस्ट मंजों से भी उसकी स्ट्रेंथ नापी मशीन के ऊपर, तो ये उनको भी मतलब डिफीट कर रहा है दोस्तों। तो मैं और किसी का नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि सभी मंजे अपनी अपनी जगह किफायती होते हैं, लेकिन जो लोग छत पे शॉक करना चाहते हैं और चाहते हैं कि सामने वाले पर अपोनेंट के ऊपर अपना दबाव बना के रखें, तो ये बेहतरीन दबाव बनाने के लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों। और ये समझ लीजिए कि मैं बार बार प्रमोट नहीं कर रहा चाइना को, लेकिन चाइना को भी ये ऐसे ही फूल पत्ती की तरह गाजर की तरह उड़ा देगा दोस्तों, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ भी है, कॉटन का भी है और किसी के लिए हानिकारक नहीं है दोस्तों, प्रकृति के भी सेफ में रहेगी दोस्तों। तो मैं आप लोगों को कहूंगा इस मंजे का 100% करें, क्योंकि इसका नाम है अल्टीमेट। अल्टीमेट का मतलब होता है दोस्तों जो सबसे आखिरी का पत्ता रह जाता है, मतलब अल्टीमेट पत्ता जैसे बोलते हैं ना अपन, तो ये वो चीज होती है जो गेम बदल देती है। अगर आपको ये सारे के सारे शॉक छत से या वैसे करने हैं आपस में, तो इनके अंदर देखो गौरव भाई ने बहुत ही बढ़िया बढ़िया कलर निकाले हैं। ये जो कलर है ये काफी हद तक पिस्ता प्लस के साथ पैरट ग्रीन के अंदर है जी, और ये वाला रॉयल ब्लू के अंदर है, ये वो मैजेंटा डार्क मैजेंटा, अच्छा डार्क मैजेंटा के अंदर है दोस्तों, जो अपन बैंगनी टाइप भी करते हैं, डार्क बैंगनी टाइप भी करते हैं। और ये वाला जो काई कलर या आप बोल सकते हैं बोटल ग्रीन के अंदर है, और बहुत ही प्यारा दोस्तों, कहने के लिए तो गर्लिश होता है लेकिन देखने में मंजा बहुत ही प्यारा लगता है ये। और ये है आपका जैसे बोलते हैं ना पिंक के अंदर, और पिंक में भी कौन सा वाला पिंक होता है, रानी कलर। एक बार रोको भैया, देखो इसमें बहुत बढ़िया कारीगरी की गई है, इसमें हमने क्या थोड़ी सी कोटिंग और मटेरियल बढ़ा दी है, उससे क्या होगा कि आपको जो फिनिशिंग मिलेगी ना वो बहुत ही फाइन इवन फिनिशिंग, जो लोग तावा भी उड़ाते हैं तो उनके हाथ भी नहीं खाएगा ये डोर। आप एक बार खोल के देखिए इस डोर को, अगर पतंग अपने हवा में 2 किलो तो कहाँ लेगी, ये तो वजन उठाने वाली बात हो गया। वजन उठाने वाली बातें ना करते हुए आप दोस्तों, ना तो मैं इसमें ज्यादा हाथ फेरूंगा, पता है क्यों दोस्तों, क्योंकि मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता था, इसने करीब करीब नहीं तो 1 किलो 834 ग्राम वेट उठा लिया था दोस्तों। पतंग का वेट आधा से 1 किलो से ज्यादा नहीं होता, कितनी भी बड़ी पतंग हो और कितनी भी मतलब बड़ी इन द सेंस कि जो हम इस धागे से उड़ा सके उसके लिए। और फिर देखिए दोस्तों, इतनी स्ट्रेंथ के बाद में जो फोकस करवाऊंगा उसके बाद इस पे कारीगरी, यही नहीं कि कोई लेवड़े चला के छोड़े गए, बहुत अच्छी फिनिशिंग। देखो भैया आप यहाँ पे दिखा रहे हो ना, तो फिनिशिंग दिखा रहा है अपनी कि मैं पूरा गोल हूँ, कहीं से भी मैं अनइवन नहीं हूँ। ये देखो भैया, जब आप भैया वीडियो देखोगे ना मेरी साइड से, आप जब देखोगे तो आपको बहुत अच्छा फील आएगा कि यार ये जो फिनिशिंग है, अब इसको हाथ लगाओ और एक आप प्लास्टिक के डोर को हाथ लगाओ तो आपको फर्क ही नहीं पता चलेगा, ऐसी फिनिशिंग कर दी है। और तो देखिए दोस्तों, ये जो फिनिशिंग हमने करी है उसका मैं मेन जो उद्देश्य है वो बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों कई लोग क्या प्लास्टिक उड़ाते हैं ना, तो प्लास्टिक में कहीं पे घाव खाने की क्षमता नहीं होती, तो इसलिए वो स्लिप होता रहता है, तो हमने इसको भी स्लिपरी बना दिया। ये जो फिनिशिंग है इससे आप देख सकते हैं कि एकदम स्लिपरी मांजा एक लाएगा आपका। देखिए मैं टेक्निकल तरीके से बता दूं, जो प्लास्टिक जो होता है वो कभी कटता नहीं है, टूटता है, मतलब आखिर तक वो है ना अपने आप को स्ट्रेच करता चला जाता है जी, जबकि इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ डाल दी है कॉटन को, इतना सूत के मतलब जो होता है ना, हमने इतना कंप्रेस करवा दिया है इसको कि ये भी है ना प्लास्टिक को टक्कर देने के लिए क्या उसको उधेड़ के रख देगा दोस्तों। एक बार आप इससे लड़ा के देखिएगा और उन लोगों के ऊपर छोड़िएगा जो ज्यादातर प्लास्टिक छोड़ रहे हैं, जो भी बाहर के मंजे जो छोड़ रहे हैं, बल्कि आप जब उनसे लड़ाए और उनकी पतंग काटे तो उन्हें फिर समझाइएगा कि भाई कॉटन वाला भी मांजा जो होता है अगर अच्छी क्वालिटी का आपने यूज करा है तो आप उससे प्लास्टिक को आराम से काट सकते हो। तो हम यहीं से गाइड भी करिए उन्हें, हाँ बिल्कुल, यहीं से मैं ना पूरा ट्रेंड चेंज कर देंगे और लोगों को समझाएंगे कि देखिए प्लास्टिक को भी काटने के लिए कॉटन काफी इनफ होता है, काफी उसमें प्रेशर बिल्ड किया जा सकता है। और ये देखिए दोस्तों, इसको खोलो धागा, तो इसको खोलने को कह रहे हैं। तो दोस्तों अब से ट्रेंड ये चेंज करेंगे हम, प्लास्टिक को तो बिल्कुल बायकॉट करना है। कोशिश हमारी यही है कि आपको सब चीजों में जितना मैक्सिमम अच्छा काम हो सके, जितना मैक्सिमम पावर कोटिंग हो सके, जितना मैक्सिमम मटेरियल यूज किया जाए, जितना महंगे से महंगा एब्रेसिव यूज किया जाए, वो सब आपको
कोशिश यही है रीजनेबल प्राइस रेंज में मिले ताकि आपका जो शौक है वो बरकरार रहे। आपको गिल्टी भी फील नहीं होगी दोस्तों, कहीं पे प्लास्टिक रह जाता है तो क्या चिड़ियाओं के टांगों में अटक गया? हाँ, कभी अफसोस नहीं होगा जिंदगी में जब दो तीन बारिश पड़ेगी और ये वहीं का वहीं डाइल्यूट हो जाएगा। बायोडिग्रेडेबल है मतलब की प्रकृति में ये मिल जाएगा, घुल जाएगा, टूट टूट के तिनका तिनका हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी कलर कौन सा, रेड, बोटल ग्रीन, पर्पल यानी मैजेंडा कहते हैं इसे, और ये अपना जो हो गया पैरेट ग्रीन, और ये रानी कलर। दोस्तों देखिए, दोस्तों इतने अच्छा काम भी करवाया गया है कंप्रेस करके, इसमें बहुत स्ट्रेंथ है दोस्तों। बस शर्त मैं आप लोगों को ये कहूंगा, पतंगे जरूर अच्छी छोड़िएगा दोस्तों, थोड़ी सी हैवी उड़ाइए अगर आपको मंजे को उठाए जो पतंग को थोड़ा सा, मंजे की जो हैवी कोटिंग्स अगर आपको लेनी है तो जैसे होता है ना कि एक मांजा आया करता था YKC का 11926, तो वो मांजे में लोगों ने एक ड्रॉबैक कर दी थी कि उस पे छोटी पतंग उड़ाने लग गए थे लोग, तो आप उससे बड़ी पतंग उड़ाइए क्योंकि भैया रिजल्ट है उस डोर का। लोगों ने तो इसलिए बॉयकॉट कर दिया कि है ना महंगा हो गया था, ये हो गया था, तो लोगों को ऐसा लगा कि यार इतना महंगा होता है क्या। आज आ रहे हैं वैसी डोर आ रही है भैया, सारी जो महंगी से महंगी डोर है 3000+ आ रही है। तो आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो अल्टीमेट है आप इसको आप यूज कीजिए, और 24 भैया को भी फोन कर सकते हो, मुझसे भी आप बात कर सकते हो। ये हाई स्ट्रेंथ पर है, 6 कॉर्ड है दोस्तों, ठीक है। आपका ये C28 9 कॉर्ड 12 कॉर्ड अगर आपने सही तरीके से फंसा भी दिया तो ये उछालने में कामयाब रहेगा क्योंकि ये मजबूत और बारीक सुताई है, और जो सुताई है उसकी कोटिंग्स एन नंबर है। लेकिन दोस्तों मैं यहीं पे आपको क्लियर कर दूं, 6 कॉर्ड का जरूर है लेकिन ये मैदानी डोर नहीं, आपके लिए छत और उसके लिए है शौक के लिए दोस्तों। ये बल्ब खुली हुई डोर से लोग वैसे भी आजकल समझने लगे हैं कि ये डोर छतों के लिए है, मैदान के लिए नहीं है, क्योंकि जो मैदान की डोर होती है वो बारीक होती है और उसमें बल्ब जो खुलते हैं वो काफी कम होते हैं और उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत कम रहती है। तो दोस्तों ये अच्छा मैं बोल सकता हूँ कोटिंग्स और अच्छे कलर्स को अगर आपकी डिमांड रहती है तो आप समय रहते इसका ऑर्डर कर सकते हैं। अभी हमारे पास 5 दर्जन 12 रील पे और 5 दर्जन 6 रील पे ये मिल जाएगा आपको, और थोड़ा सा समय देंगे तो हम आपको कस्टमाइज भी करा देंगे, जैसा कि कल आपने हमारा वीडियो देखा था कि 7 चरखे हमने कस्टमाइज कराए थे और वो हमने बाहर के लिए रवाना भी कर दिए हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे डोरों के रिजल्ट आते रहेंगे हम आपको वो भी बताते रहेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा अगर आपको कोई चीज़ इच्छा है कलर की या कोई आपकी डिमांड है, स्पेशल डिमांड है, तो आप उसे फुलफिल करने में देरी मत कीजिए, क्योंकि जैसे ही हमारे बारिशों का सीज़न चालू होता है उसके बाद थोड़ा सा जो मटेरियल बनना वो कम हो जाता है, कारीगरों की छुट्टियां ज़्यादा हो जाती है और जो कलर हैं वो लाइट से डार्क की तरफ चले जाते हैं। तो शोहित भैया वीडियो क्लोज करते हैं, कुछ बोलना चाहेंगे आपने सब्सक्राइबर्स को? दोस्तों यही कहूंगा कि देश के हमने कुछ है ना स्टेप्स उठाए हैं प्रकृति के लिए कि हम पेड़ भी लगाएंगे दोस्तों जो कि वीडियो कवर करे जाएंगे, और हम है ना चिड़िया और इन सब के लिए है ना नेट भी लगाएंगे, नेस्ट भी लगाएंगे। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट वाली चीज है हमें एनवायरमेंट के बारे में भी सोचना है, तो हम ऐसे ही मंजे सेल करेंगे दोस्तों जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि हम 1, 2, 3, 4 दिनों से कुछ नहीं होगा, आप लोगों से बस इतना सा सपोर्ट है कि अगर हम आपको कोई पौधा दे तो वो अपने घर पे लगाएं या अपने गार्डन में लगाएं या जहाँ पे भी आपको सुविधा हो वहाँ पे लगाएं। हमारी कोशिश रहेगी, ये रहेगी कि हम उसका कोई चार्ज आपसे ना लेंगे और ना ही आपको कहीं भी किसी को उसका चार्ज देना पड़ेगा। तो आप लोग हमसे बस जुड़े रहिए और दोस्तों चैनल के साथ जुड़े रहिए, लगातार मैसेज करके वहाँ पे यूट्यूब पे मत पूछिए कि इसकी रेट क्या है दोस्तों, आप फोन करेंगे आपको प्रॉपर अगर जवाब ना मिले तो बताइएगा दोस्तों। प्लीज यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में प्राइस ना पूछिए, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। सीधी सी बात है, हम लोग हमारा जो काम है वो हमारे खुद के लिए इम्प्रूवमेंट का है, तो हम आपको वहाँ पे रेट बता के और सार्वजनिक करके, क्योंकि हम अगर 2000 रुपए लिखते हैं तो सामने वाला 1500 लिखता है, हम अगर 1200 लिख दे किसी की रेट तो सामने वाला 1000 भी लिख देता है। तो इसलिए आपको अगर चाहिए आप डायरेक्ट कॉल कीजिए, यूट्यूब पे हम इसलिए नहीं डालते ताकि कोई दुकानदार भी परेशान ना हो और कोई जो खरीदने वाला है वो भी परेशान ना हो। आपको रेट चाहिए ना, आपको वाजिब दाम पे ना मिले तो आप वो शिकायत मुझसे कीजिए कि हमें ये चीज महंगी लग रही है और महंगी क्यों है, मैं उन सबका सवाल और जवाब दोनों दे दूंगा आपको। देखिए दोस्तों एक चीज बताता हूँ, जब कोई चीज वहीं पे अवेलेबल होती है और आप कहीं दूर मंगवाते हैं जहाँ पे वो चीज नहीं होती उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन हमने जो रेट कोट जो कर रहे होते हैं हम वहीं पे कर रहे होते हैं जहाँ पे वो अवेलेबल है। तो कई लोग बाग होते हैं जो हमसे भी लेके जाते हैं और तो फैसिलिटेट करवाते हैं, तो उन लोगों को थोड़ा तो चाहिए होता है, थोड़ा मार्जिन चाहिए होता है और वो रेट वहीं पे डिस्क्लोज होने की वजह से और वो पैसा भी लगाते हैं। तो ये है कि
बहुत वाजिब दाम पे हम आपको करके देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी 1800 में 1-2-3 आती है, जो कि मैदान भी लड़ती है आराम से, तो आप उसको भी आप आजमा के देख सकते हैं। और जो भाई हमारे जयपुर के हैं या आसपास के शहरों के या विलेजेस के जो भी आते जाते रहते हैं, तो आप विजिट करिए और उसके बाद आप देखिए, परखिए और जो आपको चीज चाहिए, इवन जैसे आपके कुछ एक कारीगर हैं जिनकी रेट 1700-1800 है, वो भी आप लेके जाइए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप यही डोर लीजिए जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो भी आपको वाजिब लगे आप वाजिब दामों में हमसे संपर्क करें, लेके जाइए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों।